पंजाब के बटाला में जालंधर रोड स्थित गुरु रामदास कॉलोनी में बुधवार शाम करीब 4 बजे पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। इससे साथ लगते एक घर का लेंटर गिर गया और 2 घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में 23 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से 7 की हालत गंभीर है। धमाका इतनी जोरदार था कि पटाखा फैक्ट्री से 700 मीटर दूर स्थित दुकानों तक के शीशे और फ्लेक्स बोर्ड टूट गए। सड़क पर खड़ी कारें और मोटरसाइकिल हवा में उछली और साथ लगती ड्रेन में जा गिरी। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां और 2 जेसीबी मशीनें बुलाकर राहत कार्य शुरू किया गया। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। देर रात तक मलबा हटाने का काम जारी था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जब धमाका हुआ तो पूरी कॉलोनी के घर हिल गए। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई बम गिरा हो। जब बाहर निकलकर देखा तो फैक्ट्री की पूरी इमारत ध्वस्त हो गई थी। साथ लगते घर भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। धमाके के कारण फैक्ट्री के साथ लगते गुरुद्वारा साहिब की दीवार भी टूट गई। इस घटना में अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 15 लोग घायल हैं। आशंका जताई जा रही है कि अभी भी मलबे में कुछ लोग फंसे हुए हैं। पटाखा फैक्ट्री की 2 इमारतों में 50 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। धमाका इतना भीषण था कि आसपास के लोग भी भयभीत हो गए और सदमे में हैं और घटनास्थल पर तेजी से इकट्ठे होने लगे। बता दें कि मौके पर दमकल विभाग के कई कर्मी भी पहुंचे। सूचना मिलते ही डीसी एसपी समेत प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। बचाव कार्य में जहां पंजाब पुलिस के आला अधिकारी और कर्मचारी जुटे दिखे, वहीं सिविल डिफेंस बटाला के वर्कर भी फायर ब्रिगेड के कर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मलबा हटाते नजर आए। हादसे में मरने वाले और घायलों को लोगों के लिए पंजाब सरकार ने मुआवजा घोषित किया है। पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री सुखविंदर रंधावा के अनुसार मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजन को मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही घायल व्यक्ति को 50,000 रुपए मुआवजे की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर आज सुबह स्थिति का जायजा लेने सुबह 11 बजे बटाला पहुंचे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आतिशबाजी के कारखाने में हुए ब्लास्ट की मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मामूली रूप से घायलों को 25,000 रुपए मुआवजे की भी घोषणा की गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासन से पीड़ितों और उसके परिवार की हर संभव मदद के निर्देश दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा पंजाब के बटाला गुरदासपुर की पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट के बाद बुधवार देर शाम पंजाब के पाकिस्तान सीमा से सटे तरन तारण जिले में एक संदिग्ध विस्फोट से दहशत फैल गई। तरन तारण के नजदीक गांव पिंडोरी में गोला में बुधवार देर रात सड़क के किनारे खाली प्लाट में जबरदस्त धमाका हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 1 व्यक्ति घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक रात में अचानक जब धमाके की आवाज आई तो गांव वासियों ने देखा कि बुरी तरह से घायल अवस्था में एक शख्स सड़क पर पड़ा हुआ है। उसे तुरंत तरन तारण के प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करवाया गया। अस्पताल से लौटकर आने के बाद टॉर्च की सहायता से गांव वालों ने देखा कि खाली प्लाट में 2 लोगों की लाशें पड़ी थी। नजदीक ही एक बड़ा गड्ढा भी बना हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि ये तीनों व्यक्ति या तो यहाँ बम दबाने या पहले से दबे बम को निकालने आए थे और खुदाई के दौरान बम में विस्फोट हो गया। फिलहाल पंजाब पुलिस तमाम एंगल के मामले की जांच कर रही है और ब्लास्ट में मारे गए लोगों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।